हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ सक्सेस मंच के ऊपर। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरी ये वीडियो बहुत ही दिनों बाद आ रही है। आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे थे, इतनी सारी क्वेरीज आ रही थी कि वीडियोज़ क्यों नहीं पोस्ट हो रही है। तो ऐसे सरकमस्टांसेस आ गए थे कि मैं वीडियोज़ बिल्कुल भी पोस्ट नहीं कर पा रही थी। इसके दो रीज़न्स हैं। एक तो मेरे आई एम ब्लेस्ड विथ बेबी गर्ल, अब वो फ़िलहाल 9 महीने की हो चुकी है, तो इस समय मैं थोड़ा सा फ्री अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि शायद मैं अब वीडियो कुछ कुछ बना सकती हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और दूसरा था कि मैं MPPCS जो कि प्री का रिज़ल्ट आया था दिसंबर में, और मेंस था उसका 21 मार्च से लेके 26 मार्च तक कॉन्टिन्यूसली, तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि मेरा प्री क्वालिफाई हुआ था और मेंस का मुझे एग्ज़ाम देना था, तो इसकी वजह से भी मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। बट अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे ही सही बट आपका कुछ पोर्शन मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँ, ताकि जो अभी जो प्री का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में है और मेंस तो अभी आगे ही होगा, तो आप कुछ हद तक यहाँ पर मेंस की प्रिपरेशन कर लें। प्री की वीडियोस तो आपको बहुत सारे कहीं ना कहीं से मिली जाएंगे क्योंकि प्री में मेन फोकस होता है MCQs पे, बट जो मेंस है उसको टॉपिक वाइज कवर बहुत जगह मैंने सर्च किया नहीं मिला, क्योंकि मैं भी जब MPPCS और UPPCS की तैयारी कर रही हूँ, एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे भी प्रॉपरली वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे को जहाँ से जो मटेरियल मैं इकट्ठा कर रही हूँ आप लोगों को प्रोवाइड करवाती जा रही हूँ, तो इसी के एक प्रयास में मैं ये वीडियोस आपके लिए लेकर आई हूँ। और जहाँ से जो वीडियो मैंने छोड़ा था मैं वहीं से आगे उसे आगे शुरू करने की कोशिश करूँगी। अभी हम लोग UPSC और UPPCS का मेंस का जो टॉपिक चल रहा था पेपर नंबर 2 जनरल स्टडीज़, जिसका पॉइंट नंबर 2 हम लोग कर रहे थे, इसका पार्ट 1 मैं आपको करा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट होगा मेरे मंच पे उस पे जाके आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ इसका पार्ट 2 करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी मुझसे हो सके, जितना भी मैं सफिशिएंट टाइम अपने शेड्यूल में से निकाल सकूं, क्योंकि आप लोग भी समझते होंगे जब मेरी बेटी छोटी है तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा वीडियोस बनाने का, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 2 या 4 पॉइंट जितने भी आपके एक दिन में कवर हो सके मैं ज़रूर उसे कवर कराने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट नंबर 2। इसमें मैं आपको लास्ट क्लासेस में मैंने कराया था आपको कि वित्त संबंध क्या होता है, मतलब कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका के बारे में हमने किया था। तो इसमें हमने लास्ट में देखा था कि केंद्र राज्य जो वित्त संबंध होते हैं तो उसमें किस टाइप के संबंध होते हैं, कितने तरह के संबंध होते हैं, इसको आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, पार्ट 1 होगी ये इसकी। अब हम आगे इसका देखेंगे पार्ट 2। तो इसमें हमने बात करनी थी आज की फाइनेंशियल कमीशन क्या होता है, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग क्या होता है, किस आर्टिकल के तहत इसका गठन होता है, और वर्तमान में क्या कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है। तो भारत के जो संविधान का अनुच्छेद है, मैं इसमें एक पेन चूज कर लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगी। हाँ, तो संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो सकता है कि वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये किया गया है 280 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। और इसकी जो गठन है वो राष्ट्रपति करते हैं, 5 वर्षों के लिए इसका गठन करते हैं। और इसका जो मेन मोटिव होता है, वैसे तो बहुत सारे मोटिव होते हैं वित्त आयोग के, मतलब मेन मोटिव ये होता है कि केंद्र और राज्य में जो कर का संग्रह होता है, जितने भी टाइप के अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर हैं, तो केंद्र कितना हिस्सा लेगा, राज्य कितना हिस्सा लेगा, इसके बारे में अनुशंसाएँ करना, निर्णय करना, ये सब वित्त आयोग का मेन कार्य होता है। कहीं भी मुख्य कार्य की बात में किए जाए, चाहे प्री हो या मेंस हो, आप ये पॉइंट लिखना नहीं भूलेंगे। अब जो वर्तमान में चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अभी 2015 से 2020 तक हमारा 14वां वित्त आयोग चल रहा था, जिसके अध्यक्ष थे भूतपूर्व गवर्नर YV रेड्डी। तो अब चल रहा है 15वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। और ये जो इसकी अवधि है ये 21 से 26 तक की है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये प्री में भी आप लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न कर लें, ताकि आपको आगे अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिक्कत ना हो।
इसमें एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस जो वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के कर जो संग्रह होता है, मतलब कि कुछ कर राज्य सरकार संग्रह करती है, कुछ केंद्र सरकार करती है, तो राज्यों की हिस्सेदारी 41% किए जाने की इसमें सिफारिश की है। और जो हमारा लास्ट 14 वित्त आयोग था उसमें 42% राज्यों की हिस्सेदारी थी, तो 1% यहाँ कम कर दिया है, क्योंकि ये कोविड ओविड जो भी अभी आ रहा है, जो भी हमारे पेंडेमिक चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कर भी यहाँ पर कम किया गया है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं वो कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन हम मेन पॉइंट्स जो लिखेंगे वो बाकी आप इसको अपने शब्दों में अपने अकॉर्डिंग पॉइंटर बना के लिख सकते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच साझा किए जाने वाले करों से होने वाली शुद्ध आमदनी का वितरण और राज्यों को ऐसी आमदनी आवंटित करना, मतलब कि केंद्र और राज्य कुछ ऐसे कर होते हैं दोनों का मतलब कोलैबोरेशन से, या जो एक दूसरे की सहमति से आवंटित करते हैं, वितरण करते हैं, तो उसको कैसे वितरण करना है, कितना परसेंटेज राज्य को देना है, कितना केंद्र अपने पास रखेगा, ये सब जो है ये हमारी वित्त आयोग का कार्य होता है। नेक्स्ट है केंद्र द्वारा, मतलब केंद्र, यहाँ केंद्र सरकार की बात कही जा रही है, अनुदानों के भुगतान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत बनाना। मेन इसमें भी वही कहा गया है कि किस टाइप के अनुदान, अनुदान माने सब्सिडी देना, या फिर राज्यों को कुछ एक जैसे पैकेज दिया जाता है, कुछ बीमारू राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पैकेज दिया जाता है, तो इनको कैसे आमंत्रित करना है, या किस सिद्धांतों के आधार पर किस राज्य को कितना दिया जाना है, तो ये सब नियम कानून जो बनाता है वो वित्त आयोग बनाता है। नेक्स्ट है केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित कोई अन्य मामला, मतलब कि यहाँ पर वित्त आयोग ओनली वित्तीय जो मनी से रिलेटेड मैटर है वो देखेगा यहाँ पर, तो अगर कोई और मामला भी होता है केंद्र और राज्यों के बीच उनसे संबंधित, तो वो भी यहाँ वित्त आयोग ही देखेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो वित्त आयोग देश में राजकोषीय संघवाद को कैसे सुनिश्चित करता है, ये एक मेंस का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश की है। इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे, अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, समझ के लिखेंगे, बस मैंने आपको एक गाइडलाइन दी है कि ये हाँ ऐसे कर सकते हैं, इसको आप पॉइंटर बना के भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो वित्त आयोग है वो जो देश में राजकोषीय मतलब कि जो पैसा से रिलेटेड जो भी संबंध है उसे संघवाद, संघवाद मतलब केंद्र और राज्य के बीच कितना अच्छा कोलैबोरेशन है या कितना अच्छा बॉन्डिंग है, उसको कैसे सुनिश्चित करता है कि हमारा जो भारत देश है वो संघ के रूप में कैसे वित्त आयोग उसे बनाए रखता है। तो इसमें है कि संविधान में परिकल्पित संघीय ढांचा, जैसे आपको पता है कि हमारा भारत एक संघीय ढांचे के रूप में संविधान में कहा गया है, यहाँ पर ज़्यादातर जो कर की शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के ही पास हैं, लेकिन जो थोक कर खर्चे होते हैं वो राज्यों द्वारा किए जाते हैं। ऐसी संघीय संरचना में केंद्र जो आयकर और उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष करों के रूप में कर लगाता है तो उसे वसूल करता है, उससे संसाधनों के राज्य को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता होती है। मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि कुछ जो कर होते हैं वो केंद्र सरकार लगाते हैं, कुछ राज्य सरकार लगाते हैं अप्रत्यक्ष करों के रूप में, जो सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, आयकर हो गया, तो इसे वसूल करता है केंद्र सरकार, बट जो इससे जो आय होती है उसको राज्य को भी केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने की ज़रूरत होती है, इसलिए राज्य की आबादी, ये याद रखना पॉइंट, जो भी मैंने इसको पॉइंटर्स में आप लिख सकते हो, राज्य की राजकोषीय स्थिति, राज्य का वन क्षेत्र, आमदनी का अंतर और क्षेत्रफल के आधार पर विभिन्न राज्यों के बीच संसाधनों का उचित आवंटन आवश्यक है। मतलब कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कॉमाज में, इसके अकॉर्डिंग ही राज्यों को उनका हिस्सा दिया जाता है, ये नहीं कि किसी, यहाँ ये सबको इक्वल नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ राज्य बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, किसी में संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी में संसाधन बहुत कम होते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग कहीं आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि कहीं हमारे जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, और दिल्ली तो वैसे केंद्र शासित प्रदेश है, बट महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, इस टाइप के जो राज्य हैं जो जिनमें संसाधन अच्छे हैं, आमदनी अच्छी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कम वहाँ पे
दे दिया जाए, जो कर का आवंटन किया जाए, और जो पिछड़े हुए राज्य होते हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य को ज़्यादातर माना जाता है पिछड़े, नक्सली प्रभावित राज्य होते हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा कर का आवंटन दिया जाता है उचित, ताकि इनमें बैलेंस बना रहे पूरे राज्यों में। इस प्रकार उचित आवंटन द्वारा वित्त आयोग राज्य और केंद्र के बीच टकराव होने से रोक सकता है। मतलब कि अगर इसमें अगर वित्त आयोग बीच में नहीं आएगा तो ये भी तो हो सकता है ना कि राज्य बोलेगा कि उस राज्य को ज़्यादा दे दिया, हमें कम दे दिया। ये कई केसेस चलते रहते हैं, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस चलते रहते हैं कि हमें कम आवंटन दिया गया है, हमें बहुत हमें और पैसों की ज़रूरत थी लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं दिया। और जहाँ पर दो विपरीत पार्टियों का शासन होता है, मतलब कि केंद्र में कोई और राज्य में कोई और, तो वहाँ इस तरह के टकराव बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मैंने बहुत अच्छे से यहाँ समझा दिया है, तो आप अपने शब्दों में यहाँ लिख के और इसको प्रैक्टिस करोगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले टॉपिक से रिलेटेड। तो आज मैंने यहाँ पर तीन टॉपिक आपको समझाए। एक तो मैंने समझाया कि 15 वित्त आयोग के जो नॉर्मल प्री से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने कार्य देखे और देखा कि यहाँ पर राजकोषीय संवाद कैसे बनाए रखता है वित्त आयोग। इससे रिलेटेड जो भी और मुझे टॉपिक लगेंगे कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करेंगे। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही किसी और टॉपिक को लेके, इसके आगे के पॉइंट्स को लेके फिर से हाजिर होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।